R12 हो गया 2 ओम, यहाँ देखो इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा? अब आप ये देखिए ये R1 और R2 अलग अलग ना लिखकर अब इनके लिए एक ही रेसिस्टेंस बना रहे, ठीक है? ऐसे बनाइएगा इसको, ये तो है R3, कितना है ये 2 ओम, और ये वाला हमने अभी कैलकुलेट करा R12, ये कितना है R12 हमने अभी निकाला 2 ओम, ठीक है? ये वाला पॉइंट क्या है A, ये वाला पॉइंट है B, ठीक है? ये है रेसिस्टेंस 1 ओम, ये पॉइंट है C, और ये 1 ओम है, इस रेसिस्टेंस को हमने क्या बोल दिया था R4, ये R5 है 2 ओम, और ये है R6, R6 कितना है 2 ओम, ये वाला पॉइंट है B, और R7 कितना है 1 ओम। तो ये इक्विवेलेंट डायग्राम बना दिया। इस इक्विवेलेंट डायग्राम में मैं फिर से ये देखूंगा कि अभी मैंने क्या करा था, अभी मैंने इन दोनों को सॉल्व करा, तो इन दोनों को सॉल्व करके एक सिंगल रेसिस्टेंस बन गया दोनों के दोनों सीरीज में थे। अब मैं ये देखूंगा ये वाला पॉइंट ए और डी जो है, ए और डी के बीच में ये 2 ओम और ये 2 ओम, यानी कि R12 और R3 ये दोनों के दोनों पैरेलल में दिखाई दे रहा है, दोनों के दोनों पैरेलल में है। तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो अब इनको किस तरीके से करेंगे, सिंपली लिखिएगा कि बिटवीन ए एंड डी, बिटवीन ए एंड डी दिस R12 एंड R3 आर इन पैरेलल, R12 एंड R3 आर इन पैरेलल विद ईच अदर, ये दोनों के दोनों पैरेलल में हैं। जब पैरेलल में हैं तो R12 और R3 इन दोनों का जो कंबाइंड रेसिस्टेंस है उसको बोल दो R123, 1/R123 वो क्या हो जाएगा 1/R12 प्लस 1/R3। दो रेसिस्टेंसेस जब पैरेलल में होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट या टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकलता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ रेसिस्टेंसेस क्या हैं R12 और R3, तो उसको कंबाइंड जो रेसिस्टेंस जो बन रहा है इक्विवेलेंट उसको R123 बोल दिया, तो 1/R123 = 1/R12 + 1/R3। 1/R123 ये क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2, तो 1/R123, 1/2 + 1/2 इज 1, 1 मतलब 1/1, इट इंप्लाइज दैट R123 इज इक्वल टू 1 ओम, ये कितना हो गया 1 ओम के बराबर, 1 ओम के बराबर हो गया, ठीक है? तो ए और डी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो 1 ओम आ गया। फिर इक्विवेलेंट सर्किट फिर से बनाइए, देखते हैं मैंने गलत आंसर निकाला। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट जब इसका बनाएंगे तो पहले तो ये ट्रायंगल बना दो, ये वाला ABC, ऊपर वाला पॉइंट हमने लिया था सी, ये सी ले लिया था। अब इधर है 1 ओम, R4
कितना है 1 ओम, और ये वाला पॉइंट है डी, और ए और डी के बीच में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया उसको मैंने बोल दिया R123, और ये कितना आया है 1 ओम। तो अब आप ये देखिएगा कि अब ए से सी तक अगर मैं जा रहा हूँ तो ए से सी तक बैक टू बैक दो रेजिस्टेंस हैं, ये भी 1 ओम का, ये भी 1 ओम का, तो दोनों के दोनों सीरीज में हो गए, दोनों के दोनों सीरीज में हो गए। तो आप लिखें बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन बिटवीन ए एंड सी R123 and R4 R and series, तो ये दोनों के दोनों जो हैं ये सीरीज में हो गए। जब दोनों सीरीज में हैं तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, सीरीज में तो ऐड हो जाते हैं, तो कौन कौन ऐड हो रहा है, तो R123 और एक R4, तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस को R1234 बोल दो, R1234 is equal to R123 plus R4. R1234 is equal to 1 ohm plus 1 ohm. कितना आ गया? 2 ohm. ठीक है? फिर बनाइए equivalent circuit. A, B, R6, 2 ohm, यह है C,
ये हो गया आर वन टू थ्री फोर फाइव, ये आ गया वन ओम के बराबर, और आर सेवन ये भी वन ओम के बराबर। तो अब आप ये देखिएगा, मुझे तो निकालना है ए और बी का, ए और बी के बीच में अगर हम रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये आर वन टू थ्री फोर फाइव और आर सेवन ये दोनों के दोनों एक के पीछे एक कनेक्टेड है, ठीक। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों सीरीज में हो गए, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ई बिटवीन ए एंड बी बिटवीन ए एंड बी आर वन टू थ्री फोर फाइव एंड आर सेवन आर इन सीरीज। सो आर वन टू थ्री फोर फाइव सेवन क्या हो गया, आर वन टू थ्री फोर फाइव प्लस आर सेवन कितना हो गया, वन प्लस वन कितना हो गया, टू ओम, ये टू ओम हो गया। तो अब आप ये देखिए कि ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस टू ओम, और ए और बी के बीच में ये जो दूसरा वाला पात है यहाँ पर भी रेसिस्टेंस टू ओम, तो दोनों के दोनों पैरेलल में हो गए। ठीक है सर, बी और सी का बीच का रेसिस्टेंस निकालो और फिर बाद में आर सेवन से ले लें। नहीं, बी और सी के बीच का कैसे, मतलब सर मतलब कि सर आर सिक्स और आर वन से कॉल करेंगे। हाँ नहीं, वो नहीं करना ना, क्योंकि मुझे ए और बी के बीच का निकालना है, तो ए और बी के बीच में ही हम कंसंट्रेट करेंगे अपने आप को, बी और सी के बीच में नहीं, ठीक है ना। आर ए भी पूछा है क्वेश्चन, इसलिए तो आप क्या करें कि अब ये हो गया टू वन, तो एक और आखिरी इक्विवेलेंट सर्किट इसका बनाएंगे। नहीं, सीरीज में नहीं होगा, सीरीज और पैरेलल सिर्फ इस तरह से देखा जाता है कि जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, जैसे ए से स्टार्ट करके बी तक पहुँच रहे हैं, तो अगर वहाँ पर सारा का ए और बी के बीच में सारे रेसिस्टेंसेज एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं तब तो सीरीज बोलूँगा। लेकिन ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस है और ए और बी के बीच में दूसरा रेसिस्टेंस इस तरह से आ रहा है ए और बी के बीच में, तो उसको हम पैरेलल बोलेंगे, सीरीज नहीं होगा। समझे? अब देखिएगा कि यहाँ पर कहेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, आर सिक्स है ये टू ओम, और फिर ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये दोनों जो रेसिस्टेंस हमने निकाले इनका कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन वो था आर वन टू थ्री फोर फाइव सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सेवन, ये कितना है, ये भी टू ओम है। अब आप ये कहें बिटवीन ए एंड बी आर वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एंड आर सिक्स आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, तो सर्किट का पूरे सर्किट का जो रेसिस्टेंस है आर ए बी के बीच का, तो क्या बोलेंगे, वन अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन टू थ्री फोर फाइव सेवन प्लस वन अपॉन आर सिक्स, वन अपॉन आर ए बी इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव सेवन कितना है, टू ओम, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू, तो वन अपॉन आर ए बी is equal to 1, it implies that RAB is equal to 1 ohm. इसका final result जो है वो 1 ohm. कि R, A और B, R मतलब A और B के बीच का जो resistance है वो 1 ohm. देखता हूँ शुद्धा तुम्हारा doubt, देखता हूँ एक मिनट रुको जाए. सर हमने वैसे इसको सबसे लास्ट में क्यों लिया था? किसको, ये वाले को? यस सर, आर सिक्स को हमने मतलब पहले फाइव और सेवन का निकाल लिया था, बट लास्ट में सिक्स का निकालना था।
वो इस वजह से निकालना है कि मुझे मुझे उन्होंने सबसे पहले ये पूछा है कि आर ए बी कैलकुलेट करो, तो ए और बी के बीच के जितने भी रेसिस्टेंसेस हैं मैं वो सारे कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैंने जो शुरुआत में डायग्राम दे रखा था उसमें मैंने देखा कि ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस दे रखा है 2 ओम, तो आर सिक्स जिसको हमने बोल दिया 2 ओम, तो मैंने उसको छेड़ा नहीं कि वो तो मुझे दे ही रखा है। अब उसके अलावा जितने भी हैं उन सबको आप सॉल्व करते जाओ जो सीरीज में है जो पैरेलल में उनको सॉल्व करते जाओ, लेकिन हमें फाइनली ये देखना है कि ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस तो दे रखा है, ए और बी के बीच में बाकी कितने रेसिस्टेंसेस बन सकते हैं। तो उन सबको सिंप्लीफाई करके हमने देखा ए और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस और बन रहा है 2 ओम का। तो दोनों जब सेम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में जब होते हैं तब हम उसको पैरेलल बोल देते हैं। और अगर सोचो कि ए और बी तक जाते जाते ए से बी तक जाने में अगर मान लीजिए मेरे को 10 रेसिस्टेंस मिल जाते बैक टू बैक तब मैं उनको सीरीज में बोल देता, समझ गए? Yes, तो इसलिए मैंने शुरुआत में जो ए और बी के बीच में एक दे रखा था 2 ओम इसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया और फिर चेक करा कि ए और बी के बीच में और कितने रेसिस्टेंसेस बन सकते हैं। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। चलिए जी अगला देखते हैं जरा। एक मिनट वेट करिए बस।
वैसे तो आप महीनों पहले एक ही का टेस्ट दिया था, वो सीट मिलेगा महीनों पहले? सब्सटेंसेस अदर देन वाटर दैट आर रीअब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, मतलब किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम होता है फिल्टर आउट करना चीज़ों को। तो वो कुछ चीज़ें जो फिल्टर आउट हो जाती हैं, मतलब जो चीज़ दोबारा ब्लड स्ट्रीम में दोबारा ऐड हो जाती हैं, वो क्या है? नेम द सब्सटेंसेस अदर देन वाटर दैट आर रीअब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। तो एक तो होता है आपका ग्लूकोज, तीसरा लिखिए सम एसेंशियल सॉल्ट्स, जो बॉडी के लिए कुछ एसेंशियल सॉल्ट्स हैं वो।
मतलब सॉल्ट्स होते हैं उसमें आप एसेंशियल सॉल्ट्स लिख दीजिए, जो ज़रूरी सॉल्ट्स हैं वो वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, और ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कभी भी मतलब किडनी के थ्रू यूरिन के थ्रू निकलेगा नहीं, ठीक है, वो बॉडी में रुक जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज जो है ग्लूकोज ही हेल्प करता है एनर्जी में और अमाइनो एसिड्स ही डेवलप हेल्प करते हैं बॉडी के डेवलपमेंट में। तो ये दोनों चीज़ें अगर बॉडी से निकल जाएंगी तो मतलब लाइफ थ्रेटनिंग है इनका निकलना, तो ये रीअब्सॉर्ब हो जाती है ब्लड में वापस। उसके बाद देखें व्हाट आर द टू पैरामीटर्स दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज रीअब्सॉर्ब इन द किडनी, कि किडनी कितना वाटर अपने अंदर रीअब्सॉर्ब करे ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वो ये पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द टू पैरामीटर्स। तो पहला है टू पैरामीटर्स विच डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर which decide the amount of water to be reabsorbed और एक तो ये है कि भाई एक्सेस वाटर कितना है, जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा का सारा किडनी रीअब्सॉर्ब कर देती है, ठीक है। तो पहला है अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर, कि कितना एक्सेस वाटर है उसी हिसाब से किडनी जो है वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगी, पहली चीज। दूसरा पैरामीटर ये है अमाउंट ऑफ वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड, अमाउंट ऑफ वेस्ट बल्कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल वेस्ट है ये, अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल वेस्ट टू बी एक्सक्रीटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारी बॉडी में से जो वेस्ट है वो वेस्ट बेसिकली जो है वो उसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है वो यूरिया का होता है, तो यूरिया जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाना चाहिए। अब जो यूरिया है ना वो बॉडी से बाहर जो निकलता है वो डिजॉल्व होकर निकलता है, वो वाटर में डिजॉल्व होकर निकलता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, यूरिन बोल देते हैं, कि वो वाटर में डिजॉल्व हो गया यूरिया तो उसको हमने यूरिन बोल दिया। तो अब वो यूरिया बाहर निकलने के लिए जितना पानी ज़रूरी है उतना तो किडनी आगे भेज देती है यूरिनरी ब्लैडर में, कि भाई ये तो यूरिया में मिक्स होकर और यूरिन बनकर बाहर निकल जाएगा, और जो बचा हुआ पानी है जो यूरिया फॉर्मेशन में यूज़ हो गया, यूरिन फॉर्मेशन में यूज़ हो गया, वो तो आगे गया, और जो बचा हुआ है उसको किडनी रीअब्सॉर्ब करके अपने पास रख देती है, ऐसा होता है, समझ गए। तो दो पैरामीटर, एक तो अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर, कि अगर कुछ एक्स्ट्रा वाटर है तो वो एक्स्ट्रा वाटर जो किडनी है वो अपने पास रख लेती है, दूसरा कि ये डिपेंड करता है सॉल्यूबल वेस्ट कितना है बॉडी के अंदर, तो सॉल्यूबल वेस्ट अगर ज़्यादा है तो वो कम वाटर रीअब्सॉर्ब करेगी, सॉल्यूबल वेस्ट अगर कम है तो वो ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब कर देगी, तो दो पैरामीटर ये होंगे। बताइए जी, क्लियर है यहाँ तक? यस, ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा अगला एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नोट करिए, वन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, कराइए क्वेश्चन किसी ने, बड़ा फेमस है क्वेश्चन। कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, इट वुड बी ऑब्जर्व दैट द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन
we observe that the ferrous sulfate solution A part turns blue. Turns blue and a gray substance is deposited on the copper coin. Turns colorless and a gray substance is deposited on the copper coin. Turns colorless and a reddish brown substance. फेरस सल्फेट सॉल्यूशन क्या है? FeSO4. तो कॉपर कॉइन में तो सिर्फ कॉपर ही है, तो कॉपर का रिएक्शन अगर आप करा दें फेरस सल्फेट के साथ में तो Cu+FeSO4, तो कॉपर तो आयरन से कम रिएक्टिव है ना, तो रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन. देखिएगा कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव, बीइंग लेस रिएक्टिव देन आयरन इज अनेबल टू डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन. सो देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन. ऑप्शन डी इसका सही आंसर. रिमेंस ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन. कॉपर कॉइन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है. ठीक है, और बताइए जी, और किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो. नहीं तो डाउट है पर मैथ्स में कल ही पूछना. हां, तो क्या पॉइंट है?
हाँ कल मैं पढ़ाऊंगा नहीं, कल का मैं ऑफ रखूंगा, मैं संडे को आपकी क्लास में। कल क्या है, कल मैथ्स है ना, कल मैथ्स है ना, तो संडे को फिर मैथ्स चलूंगा। टाइमिंग बेटा बता दूंगा मैं, मोस्ट प्रोबेबली आपका वही रहेगा टाइम जो है, तो 6 बजे के बाद हो सकता है। हाँ मुझे याद दिला देना, तुमने कल भी बताया, याद दिला देना, करा। प्रोबेबिलिटी आधा छोड़ा नहीं, प्रोबेबिलिटी तो करो, उसमें कुछ है नहीं, करो उसमें, मतलब अगर कोई डाउट आता है तो पूछ लो, मैं बता दूंगा। हाँ स्टैटिस्टिक्स ही करेंगे। अरे पानी अभी क्लास के बाद दे दूंगा, रुक जाओ, ये इन्होंने नालायकों ने ना जानबूझ कर पानी खत्म करा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको कोई बहुत ज्यादा प्यास लगी, प्यास है। अच्छा चलिए जी, अब जरा ये देख लो क्या कर रहे थे, 5-7 मिनट बचे हैं, छोड़ो आज इतने ही कर लो, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा बात। ठीक है, वैसे वो इसका जरा सा पोर्शन बचा हुआ है वो कंप्लीट करके फिर कार्बोहाइड्रेट्स का पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। वही बात है, डाउट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कार्बन के अरे भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, भेज दूंगा, जरा फ्री हो जाऊँ क्लासेस से ना, ठीक है सर।